दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो रिसेंट मैंने चीज़ें खरीदी हैं ऑनलाइन, क्योंकि जो जिस दिन हम शॉपिंग करने के लिए गए थे उस दिन तो मैंने आपको दिखा दिया था मैंने क्या क्या लिया है। सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एंड लेटर हम एक वीडियो बनाएंगे होपफुली जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैप्सूल वार्डरोब के असेंशियल्स विंटर एंड फॉल को लेके, मेजॉरिटी विंटर को लेके। सो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो के साथ। जो कुछ भी मेरे हाथ में आता है वो दिखाती जाऊंगी। कई चीज़ें मैंने विंटर से रिलेटेड नहीं भी ली हैं क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं वेकेशन पे। जिस जगह पे हम जाएंगे वहाँ पे थोड़ा अच्छा प्लेजेंट मौसम होगा। ओके, सो सबसे पहले है ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस जो मैंने H&M से ली है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं एंड इसकी जो स्लीव्स हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एंड ये रैप ड्रेस है, आप इसको रैप करके पहन सकते हैं और इसकी लेंथ बहुत अच्छी है। अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे लंबी लेंथ वाली ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी स्लीव्स कैसी हैं। ओके, सो इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह की हैं। बाकी ये सारी ड्रेस पूरी प्लेन है एंड अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसकी पिक्चर दिखाऊंगी कि ये कैसे दिखती है। और ये मैंने ख़रीदी है H&M से। मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें मुझे लगता है कि जो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी H&M से है। कुछ मैं हडसन बे से भी मैंने ख़रीदी है। मुझे हडसन बे से चीज़ें खरीदना भी अच्छा लगता है क्योंकि एक ही शॉप के अंदर आपको कितनी सारी ऑप्शंस मिल जाती है, राइट? सो ये हो गई है हमारी ड्रेस जो कि पुरानी हो जाएगी, डोंट वरी। सो हम ये पहनेंगे समर। सो अगला चीज़ है, मेरे पास बहुत सारे इस किस्म के स्वेटर होने वाले लाइक बेसिक कलर्स के। पीछे मॉन्स्टर एक है, उसको इग्नोर करें। सो ये बहुत ही प्यारा वूल का स्वेटर है जिसके जो कि काइंड ऑफ मॉक नेक है, पूरा अच्छी तरह टर्टल नहीं है क्योंकि टर्टल पहन के ना मेरा गला कोट हो जाता है। और इसके पीछे यहाँ पे एक कट सा भी है एंड स्लीव्स इसकी अच्छी हैं एंड ये इस तरह का है, लाइक पूरा टाइट नहीं है। ये बहुत अच्छा लगेगा, सिर्फ ये पहने, डेनिम पहने एंड अच्छा सा ट्रेंच पहने, देन यू आर गुड टू गो। सो ये स्वेटर H&M से लिया है मैंने। अगला मेरा जो स्वेटर है वो भी H&M से ही है, वो है ये दिस ब्लैक एंड वाइट लाइंस वाला। वैसे ये जो स्ट्राइप्स वाला होता है पैटर्न मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, बट बिकॉज इसमें मेजॉरिटी रंग काला है तो मुझे लगा कि या मैं पहन सकती हूँ ये। और इसका जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये वूल एंड कॉटन का मिक्स है एंड काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल लग रहा है। ये भी H&M से ही है और इसकी आर्म कितनी सही है, पूरी एक ही साइज़ की। ओके, सो ये हो गया। अब ये भी है एक मेरे पास। ओके, ये सूट पता नहीं कहाँ से आ गया बेचारा, ऐसे ही यहाँ पर रख देते हैं। सो मेरे पास वूल के कोट हैं बहुत सारे रंगों में, लाइक रेड है मेरे पास, कैमल कलर है, ब्राउन है और भी दो चार डिफरेंट रंग है, पिंक भी है एंड पीची कलर भी है एंड टेडी बियर किस्म का भी है, बट मेरे पास ब्लैक नहीं था और ब्लैक मुझे कितना ज़्यादा पसंद है आपको पता है ना। सो ये मैंने ब्लैक लिया है इस बार पूरा लंबा एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ब्लैक पहनने के लिए क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा काम आता है, राइट? आप इसको कई तरीके से पहन सकते हैं एंड डिटेक्टिव बन जाए, हर तरफ सस्पिशियस नज़रों से देखें कि क्या चल रहा है। ये भी मैंने H&M से लिया है, ये अच्छे प्राइस में मिला और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। मुझे स्पेशली वो कोट्स अच्छे लगते हैं जिसमें बेल्ट हो क्योंकि बेल्ट आपको ना अच्छी वेस्ट दे देती है, अदरवाइज आप गुआच जाते हो कोट में, दिखते ही नहीं हो कि कोट में आप हो या नहीं हो, राइट? सो ये लिया है मैंने। ये बहुत ही प्यारा टाइनी सा पर्स भी लिया है मैंने H&M से, ये सेल में था मुझे लग रहा है। सो मैंने सोचा कि जब आपने इतना बड़ा पहना होता है ना कोट तो आपको कुछ टाइनी सा चाहिए अगर आपको गले में डालना है तो इसका बहुत ही प्यारा नूड किस्म का कलर है। ओके, मैंने दो डिफरेंट ये गरम पजामे लिए हैं जो फ्लीस मटेरियल के हैं, रात को पहनने के लिए या आई मीन घर में पहनने के लिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो वार्म एंड कोजी होते हैं। सो ये किस्म का लैपर्ड प्रिंट है बट ये डार्क मरून कलर का है ये पजामा, मज़ेदार गर्मा गर्म फ्लीस वाला पजामा एंड ये पूरा वधिया खुला है। पहले मुझे ना अच्छे लगते थे पीजे जो नीचे से टाइट हो, पर अब मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं जो सारे सेम साइज़ के होते हैं, लाइक खुले हुए बॉटम, लूज बेल बॉटम्स बोलेंगे, नॉट बेल बॉटम, बूट कट, स्ट्रेट पैंट्स। ओके, एक मैंने कोटी ली है, कोटी बोले
ये लाइक बुड्ढो जैसी कोटी है थोड़ी, पर मुझे इसका रंग बहुत अच्छा लगा। ये फॉरएवर 21 से ली है मैंने। फॉरएवर 21 पे बहुत अच्छी सेल चल रही थी कुछ समय पहले। हमारे यहाँ पे फॉरएवर 21 है नहीं एनी मोर, बट फॉरएवर 21 आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, हट्स एंड बे से खरीद सकते हैं, एंड इवन एक दो स्टोर्स में भी सेल करना शुरू कर दिया उन्होंने। सो अगली जो कोटियाँ हैं ये फ्ली बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट मटेरियल, ये आपने ऑलरेडी देखी थी ना, ये मैंने हॉलिस्टर से दो डिफरेंट रंगों की ली थी, एक ये एक पीची, मैंने एक और ये स्वेटर जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, मुझे लग रहा है ये मैंने गैप से लिया था अदर डे वाली हॉल में देख लिया होगा आपने। एंड देन मैंने ये क्या है, ओके यार ये बॉडी सूट लिया था मैंने H&M से, एंड ये वैसे ही नीचे लेयरिंग के लिए। एंड देन मैंने एक ये बहुत ही प्यारा लेयरिंग के लिए टॉप लिया है, ये ऐसे टाइट लग रहा है बट बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी, और ये है ब्रांड वेरो मोडा, एंड ये हडसन बे से लिया है मैंने। मुझे ना ब्लैक कलर के टॉप बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप इसे बहुत बार पहनते हैं बहुत सारी चीज़ों के नीचे, अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है आप स्वेटर के नीचे पहन सकते हैं, देन कोट के नीचे पहन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये काफ़ी लूज किस्म का वी नेक स्वेटर है ब्लैक, एंड लंबा भी है, और इसके नीचे आप फैंसी शर्ट पहन के इसे फैंसी बना सकते हैं या फिर कोई बेसिक शर्ट पहन सकते हैं, काफ़ी तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। एंड देन ये है एक स्वेट शर्ट जो कि मैंने ली है, ये काले रंग की है, ये H&M से ली है मुझे लग रहा है मैंने, ये एक्चुअली इसके साथ मैंने पीजे भी लिया है सेम ब्लैक, यू नो मेरा पूरा स्वेट सूट बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि ये ऐसे जो स्वेट शर्ट्स होते हैं इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ बाकी चीज़ों के मुकाबले। ओके सो एक बहुत ही प्यारा प्लेन वाइट स्वेटर है, बहुत ही ज़्यादा चलकू चलकू मटेरियल, ये मैंने लिया है रेडमैन से, मुझे रेडमैन की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा बुड्ढो जैसा स्टाइल होता है बट बहुत ही एलिगेंट एंड क्लासी मटेरियल होता है उनका। और एक ये पहले जैसा ही मॉक नेक स्वेटर है बट इन दोनों के रंग में डिफरेंस है, एंड इसमें थोड़ी स्ट्राइप्स भी बनी हुई हैं, एंड या ये प्यारा इस मॉक नेक स्वेटर्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और आप बहुत बार पहनते हैं विंटर्स में। अगला अगेन ये मॉक नेक स्वेटर है ब्राउनिश कलर में, एंड इसकी स्लीव्स बहुत ही क्यूट सी हैं, एंड ये है वेरो मोडा ब्रांड से, आई डोंट नो अगर मैं इसको सही बोल रही हूँ या नहीं, पर मैंने देखा है कि ये इंडिया में बहुत लोग पहनते हैं, एंड ये वाला जो स्वेटर है ये आपने देखा था ऑलरेडी गैप से है। ओके सो एक और ये बहुत प्यारा सिंपल सा पतला सा स्वेटर है ब्राउन कलर का, ये भी मॉक नेक है, और मुझे ये रंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस सीज़न में, मुझे लग रहा है कि ये रंग बहुत ट्रेंड भी करेगा। और ब्लैक टर्टल नेक लेयरिंग के लिए मैंने ख़रीदा है, ये कौन से ब्रांड से है आई डोंट नो, ओके ये मैंने हडसन बे से ख़रीदा, पर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा एंड वार्म एंड कोजी है, सो एज अ यू नो फर्स्ट लेयर काम करेगा ये, वैसे भी आप पहन सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ अच्छी लगती है ऐसी टी शर्ट्स राइट। एंड ये स्वेटर मुझे लग रहा है आपने ऑलरेडी देखा होगा, ये भी रेडमैन से ही लिया था मैंने, बहुत प्यारा क्यूट सा वाइट है, लाइक स्वेटर किस्म का टॉप है। नेक्स्ट अनदर लेयरिंग पीस है, ये भी टर्टल नेक मॉक नेक है, एंड ये वाइट कलर का है, इसमें स्ट्राइपी है, एंड ये वार्म एंड कोजी किस्म का बेसिक लेयरिंग पीस बनेगा। लेयरिंग के लिए पीसेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड एक बहुत ही प्यारा सा ये टर्टल नेक, इसका एंड उसका कलर काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि ये जो है मैंने पहना ये थोड़ा ख़राब सा हो गया, सो आई लाइक दिस, लार्ज साइज है ये एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। ओके सो पैंट्स में मैंने एक पैंट खरीदी है जो कि है ये नूड कलर की पैंट्स H&M से, बहुत ही अच्छी है ये, आई थिंक ये भी स्ट्रेट है पैंट्स, एंड इसका जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा मोटा किस्म का है, सो ये मैं विंटर्स में पहन सकती हूँ इसके नीचे कुछ पहन के, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि विंटर में बोरिंग पैंट्स पहनूँ, सो इसके साथ आपको मैं स्टाइलिंग के बताऊँगी कैसे लगती है। ओके सो एक बहुत ही प्यारी मैंने लेदर की पैंट्स खरीदी है, मेरे पास ऑलरेडी भी थी बट ये मैंने फॉरएवर 21 से ली है, इसकी शेप बहुत अच्छी है, ये ऐसी ही दिखती है पर आप इसको ऐसे यहाँ से टाई करके जॉगर भी बना सकते हैं, अगर आपको शूज़ पहनने हैं एंड थोड़ा टशन मारना है तो इसे बंद कर सकते हैं, यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं, पर मुझे लगता है कि मैं ये काफ़ी ज़्यादा पहनने वाली हूँ इस विंटर्स में थोड़ा कूल आउटफिट्स के लिए, सो इसको कैसे स्टाइल करते हैं मैं आपको बताऊँगी। मेरे पास बहुत ही अच्छे चेल्सी बूट्स ऑलरेडी हैं, सो इस बार लिया है मैंने ये कॉम्बैट बूट्स, ये बहुत ही मज़ेदार एंड कूल है एंड बहुत ही चंकी किस्म के हैं, एंड मुझे चंकी शूज़ अच्छे लगते हैं, सो ये ब्लैक कलर में लिया है, H&M से लिया है मैंने ये, एंड एक बहुत ही मज़ेदार चंकी लोफर्स भी लिए हैं मैंने,
ये भी बहुत ही बेसिक दिखते हैं बट है चंकी एंड H&M से लिए हैं मैंने ये. आई डोंट नो इनको कैसे पहनूंगी मैं. लेट्स सी कैसे इसको स्टाइल करते हैं हम. होप आपको मैंने सारा कुछ दिखा दिया है. आप बताना कि आपको सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी चीज़ लगी. मैंने बहुत ज़्यादा पढ़का हूँ और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ें नहीं मैं खरीदती हूँ. मैं बहुत बेसिक चीज़ें खरीदती हूँ ताकि आप उसको अलग अलग तरीके से पहन पाएँ और बहुत सारे यूजेस ले सकें उनसे और पता भी ना चले. राइट एंड इनको स्टाइल करना मैं आपको बताऊँगी. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको अगर आपको अच्छा लगता है कैप्सूल वार्डरोब कौन से असेंशियल पीसेज आपको चाहिए ताकि आप बहुत सारे आउटफिट्स प्लान कर पाएँ और पहन पाएँ. एंड क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ट्रेंडी पीसेज लेते हैं ना तो वो एक दूसरे के साथ जाते नहीं हैं और जो मेरी ये चीज़ें हैं वो हर एक के साथ जाएंगी. हर स्वेटर हर किस्म की पैंट के साथ जा सकता है. मैं आपको स्टाइल करके लेटर किसी वीडियो में बताऊँगी. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये हॉल अच्छी लगी होगी और बताना आपको कौन सा पीस अच्छा लगा सबसे. और मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों यू आर द ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन.